फर्जी तरीके से जीविका महिला ग्राम संगठन के 3 शाखा से 6 लाख रुपये से भी अधिक राशि का हुआ निकासी, दीदियों ने किया हंगामा। के नगर प्रखंड अंतर्गत पोठिया रामपुर पंचायत में संचालित जीविका महिला ग्राम संगठन के 3 शाखा से 6 लाख रुपये से भी अधिक की राशि का संगठन के ही एक पुरुष कर्मी द्वारा फर्जी निकासी कर लिया गया है। संगठन के सदस्यों को तब जानकारी हुई जब कार्यालय से रुपया जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया। नोटिस पढ़ते ही चांदनी जीविका महिला ग्राम संगठन की दीदी भौचक्के रह गए। उक्त जीविका समूह की दीदियों ने संगठन के उच्च पदाधिकारियों से मिलकर चांदनी जीविका महिला संगठन की विस्तृत जानकारी देते हुए रुपया निकासी नहीं करने की बात कही। जीविका महिला ग्राम संगठन के एक महिला अधिकारी चंदा देवी द्वारा चांदनी जीविका समूह की जांच की गई तो समूह के पास कोई रजिस्टर ना था और ना ही लंबे समय से इस समूह का कोई बैठक की गई थी। जांच के क्रम में समूह के दीदियों ने बताया सभी रजिस्टर, चेक बुक तथा समूह के अन्य कागजात समूह के बुक कीपर का काम कर रहे इसी पंचायत के प्रसादपुर निवासी तुलसी महतो के पास है। तुलसी महतो से चांदनी जीविका समूह के सभी कागजात मांगा कर जांच की गई तो चेक के माध्यम से 2,73,000 रुपये से अधिक की निकासी की गई थी। तुलसी महतो से रुपये निकासी के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि चांदनी जीविका समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव से झांसा देकर पूर्व में ही चेक तथा अन्य कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिया था। जब खाता में रुपया आया तो हमने इस संगठन के बैंक खाता से 2,73,000 रुपये से अधिक की राशि निकासी कर लिया। तुलसी ने बताया इस समूह के अलावे भी मैंने इसी पंचायत में संचालित इसी तरह गंगा जीविका महिला संगठन तथा अर्पण जीविका महिला संगठन से भी लगभग 3.5 लाख रुपये का फर्जी निकासी किया हूँ। वहीं तुलसी महतो ने कहा कि मैं 1 महीने के अंदर फर्जीवाड़े से निकाले गए सभी रुपये जमा कर दूंगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नोटिस ई लोग को गई है तो ई लोग ने बताया कहाँ किस रोज किस चीज का नोटिस दिया है। वही लोन का जो वीओ से निकासी किया 3 लाख रुपया का। कौन किया निकासी? बीके वीओ का। कैसे कैसे पूरा प्रक्रिया हुआ है? वीओ का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हम लोग हैं। मेरे फर्जरी साइन पे निकला है। कितना पैसा निकला? 2,71,360 रुपया। कौन निकाला है? तुलसी महतो। कब आप लोगों को मालूम हुआ कि हम लोग को जब ऑफिस से नोटिस किया गया? नोटिस का पैसा वसूली के लिए। हाँ, वसूली के लिए कि आप लोग को भरना होगा। उससे पूर्व आपको कोई पता नहीं? नहीं, कोई पता नहीं था। ऑफिस आप लोग पैसा जो जमा करते हैं ग्रुप में तो ये डायरेक्ट किनके पास जमा होता है? डायरेक्ट वीओ में 10 रुपया करके यहाँ जमा होता है। वहाँ वीओ में ऊपर से आता है, ऑफिस से ही आता है पैसा। ऑफिस आपको मुसमिया था वो बता रहा है कि आपके यहाँ इतना पैसा गया है या नहीं? कभी नहीं, नहीं कभी। वो बीके ही को मालूम होगा कब आया कब गया। और अगर सदस्य बीके भी नहीं बता रहा था कि पैसा आया है ग्रुप में, आप लोग का लोन आया है, कुछ भी नहीं बता रहा था। वो ऑफिस और वो बंदा जो पैसा निकाला वो दोनों एक था? हाँ, एक था। आप लोगों को कोई पता नहीं? आप लोग अब क्या चाहते हैं? वही पैसा जो निकासी हुआ वही पैसा जमा करवाइए। पैसा जमा करवाते जब मांगते थे तो बोलता हम रिपोर्ट बना, रजिस्टर, मोहर, चेक बुक, पासबुक सब उसी के पास था। हम लोग के पास तुलसी महतो कहाँ का है? कहाँ का? चरियारे का। कहाँ का? प्रसादपुर का है। तो उनसे आप लोग मिले कि आप अवैध निकासी किए हैं तो उसको लेके? हाँ, उससे मिले तो वो हमको लिख के दिया कि हम जो लेनी देनी है हम देने के लिए तैयार हैं। क्या कितना लेनी देनी? वो 2 लाख रुपया जो लेनी देनी है यही लिख के दिया। यही लिख के दिया, उसका साइन भी है। आज आप लोग यहाँ बैठक किए हैं, इसमें बैठक किए हैं उसको कि कब दीजिएगा, अभी दीजिए, कब दीजिएगा, दीजिए पैसा जमा कीजिए। क्या बोला वो? अभी बोल रहा है नहीं देंगे, मकई कटेगा तब देंगे। कितने लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट है? इसमें है 10 ग्रुप का पैसा। 10 ग्रुप में कितने सदस्य हो गए? 18 ग्रुप। 18 ग्रुप के लोगों का पैसा? हाँ, 18 ग्रुप के। एक ग्रुप में कितना आदमी होता है? 12 आदमी होता है। क्या परिचय है आपका? नाम क्या है? नाम बीबीबुसरा खतून। घर? रामपुर। वार्ड नंबर? 8। आपका नाम? मीना कुमारी। घर? रामपुर। वार्ड नंबर? 10। ये फंड जो है कि वीओ में मिलता है 3 लाख रुपया जो है, जितना समूह है उसके अनुसार 12 समूह के लिए 3,60,000 रुपया दिया जाता है। तो इन लोग के वीओ में जो है पहले पैसा आ चुका था, 1 साल पहले हम आए थे इसके वीओ में, जो बुसरा खातून और मीना देवी जो है कि सीएम की काम कर रही थी,
और जो है कि हम लोग आए भीओ बैठक में दीदी सबसे बात करने की, जो है कि आपके यहाँ ICF का राशि आया है और आप मीटिंग में हम लोग पहुँचे तो ये लोग का कहीं कोई मीटिंग नहीं था। बुसरा खातून से बात किए तो बुसरा खातून बोली कि कोई रजिस्टर मेरे पास नहीं है, तुलसी कुमार बुक कीपर जो है कि रजिस्टर जो है कि लेके गया है। हम दीदी के तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आया CM के तरफ से कि रजिस्टर भीओ का हम लोग के पास नहीं है। वो जब हम लोग छानबीन किए, तुलसी महतो को जो है नोटिस किए कि आप ये आप जो है भीओ का रजिस्टर जमा कीजिए और जो पासबुक, तो उसके बाद जो है कि जब हम लोग को रजिस्टर पासबुक मिला, तुलसी महतो जो है कि 6-7 महीना तो जो है कि घर से फिरार रहा, दीदी के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं रहा कि हाँ ये मेरा रजिस्टर है या हम जाके न CM न दीदी के तरफ से। जब हम लोग जो है कि अपने स्तर से रजिस्टर और पासबुक जो है तुलसी महतो के घर से मंगवाए CLF में, जब उसकी जाँच की गई तो पता चला कि ये पैसा जो है निकासी किया गया है, तो दीदी को एक जो है आवेदन दिया गया सूचना कि दीदी ये डेट में आपके अकाउंट से पैसा निकला है, वो पैसा कहाँ गया है, आप लोग जो है कि वो पैसा को खोजिए। ये किसकी कहाँ पर समन्वय कमी रही जो वो तीसरा आदमी इसका बेनिफिट लिया है? ये जो है कि दीदी के जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है उनके पास ये सारा रजिस्टर पासबुक और जो है कि रहना है चेकबुक, लेकिन दीदी अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा के बुककीपर के जो है कि बुककीपर को थमाया, उसमें जो है कि सिग्नेचर भी दीदी कर रही है, बिना सिग्नेचर का तो पैसा सिग्नेटरी जो भीओ का खाता खुला है जो सिग्नेटरी है वो भीओ की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो ये इतने 2020 और 22 के इतने अंतराल काल में अभी आप लोगों को नज़र में आया इस तरह का घटना? तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे उसके बाद हम लोग को दीदी के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है कि हमारा भीओ बैठक बंद है, हमारा जो है बैठक नहीं हो रहा है, न पासबुक दीदी दिखाई। जब हम लोग आए न पासबुक न रजिस्टर कुछ नहीं मिला हम लोग को, न CM प्रत्येक जो है कि एक भीओ पर जहां 12 और 15 समूह मिला के एक भीओ बनता है वहां पर हमारी CM काम करती है, जिसको कि मानदेय जो है भीओ भुगतान करती है, वो CM भी कभी हम लोग को सूचना नहीं की कि हाँ इस तरह का जो है अवैध निकासी या सारा रजिस्टर पासबुक बुककीपर के पास है। इस तरह ये जिम्मेदारी किस पर तय की जाएगी, क्या किन किन आपके जाँच में आपके प्रक्रिया में किनका जिम्मेदारी तय होता है? ये जिम्मेदारी अगर हम जिसको अगर 10 रुपया ही दे रहे हैं तो वो दीदी तो हमको ये सूचना कर सकती थी CLF में। अध्यक्ष सचिव भी कभी ये इस चीज़ का जिक्र नहीं की कि हमारा रजिस्टर पासबुक नहीं है। प्रत्येक महीना 12 तारीख को CLF में RGB बैठक होती है जो दीदी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। वो जिम्मेवारी CM की होती है कि हम दीदी को जो प्रत्येक महीना 12 तारीख को CLF बैठक में भेजवाए। तो अब इस पर क्या कार्रवाई आप करेंगे? उस पर जो है कि अब दीदी को हम लोग सूचना किए हैं, दीदी उस पर क्या एक्शन लेती है, दीदी और उसके बीच है, तुलसी महतो के बीच है। आखिर अवैध निकासी तो हुई है? अवैध निकासी हुई है तो दीदी किस मैटर में पैसा दी है और कैसे दिया गया है लिया गया है वो तो दीदी ही, कि मेरा हस्ताक्षर भी फर्जी है तो उसके लिए दीदी पहल करेगी, आवेदन देगी थाना में जहाँ भी उसको, हम लोग जो है कि उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आगे दीदी को ही बढ़ना है। आपराधिक घटना बन रहा है तो उसके लिए दीदी जो एक्शन लेगी, दीदी के साथ हम लोग पीछे से खड़ा है, दीदी को तो आगे बढ़ना होगा क्योंकि दीदी के अकाउंट से दीदी का फर्जी साइन किया है, दीदी का फर्जी साइन से पैसा निकला है या जो है कि सही में दीदी साइन करके दी है। कितना पैसा का ये मामला है कुल? ये मामला तो लगभग जो है कि 2,71,000 का जो कि बैंक से निकला है और आगे कितना है वो दीदी को बताया गया था कि आप स्टेटमेंट निकलवा के आपको जहां तक CLF की मदद होगी मदद करवाएंगे हम लोग स्टाफ को भेज के कि आपका कितना पैसा इधर उधर हुआ है, जो अभी तक CM के द्वारा नहीं करवाया गया न अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के द्वारा करवाया गया है। तो इस विषय को लेकर आप अपने जो उच्च हैं उनको सूचना देंगे कार्रवाई के लिए और जांच के लिए? इसके लिए हम लोग आगे लिखेंगे, हम लोग जो आज आए हैं जो भी निर्णय होगा उसके लिए हम आगे जो है इसका ही बढ़ाएंगे। अगर ये आपराधिक घटना बनता है इनके लिए FIR करने के लिए भी आप लोग अग्रसारित करेंगे लोगों को? जो अग्रसारित जो दीदी है, दीदी आगे बढ़ेगी, दीदी को जो है कि हम लोग करेंगे प्रेरित करेंगे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम चंदा देवी है, मैं नवजीवन स्वयं सिद्धा महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की अध्यक्ष हूँ। के नगर प्रखंड। आप पर आरोप लगा है कि आप 2,71,000 समथिंग का अवैध निकासी किए हैं, ग्रुप में रह के जो को संचालित करना था, सबको समूह के साथ चलना था सर, उसमें क्या आरोप है, क्या उसका सत्यापित है? जी हाँ सही है, हमें लिए हैं 2,71,000 रुपये हमने लिए हैं और हमने देने के लिए तैयार हैं। तो आप ये फर्जी तरीके से लिए थे? जी पहले से हम फर्जी तरह से लिए थे, जो कि पहले से चेक पे साइन था।
दीदी। वो जो आप पैसा निकासी किए थे तो और लोगों को इनकी सूचना दिए थे? जी नहीं, बिना सूचना का आप किए थे? जी जी। ये आपका मनसा पहले से जाहिर था कि हमको इसको निकालना है? नहीं, पहले से मन नहीं था, जरूरत था तो हमने लिए। तो ये सूचना तो देना बनता है? जी, हमने गलती की नहीं दे पाए। तो आप जो इतना पैसा, इतना बड़ी रकम है, कैसे आप अदा करें? हमने जमीन बेच कर हम जमा करेंगे। इन्हीं लोगों के साथ किए हैं, अन्य और किसी के साथ? नहीं, और दूसरे जगह तीन बीओस हमने लिए हैं, तीन बीओस मिला के 6 लाख कुछ रुपया है। टोटल कितना है? 6 लाख कुछ रुपया। और तीन व्यू कौन कौन है? एक चांदनी भी हुआ, एक गंगा भी हुआ, एक अर्पण भी हुआ। कहाँ कहाँ का है ये तीनों? दो भी हुआ है मुगलहा का, एक भी हो ये, एक भी हो यहाँ रामपुर। इसका क्या नाम है इस भी? चांदनी भी हो। तो इसमें आप किस पद पर थे? बुककीपर पद पर थे। आपकी क्या जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी मेरा यही था कि हमने लेखांकन का जिम्मेदारी मेरे पास था। अकाउंट आप देख रहे थे, जो भी लेखा जोखा का हिसाब था आपको था जी, उसमें जिस तरह से भी आपने किया है उसमें अकेले आप किए हैं और कोई बंदा? कोई नहीं, मैं अकेले था। ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है? जी जी, मेरा ही जिम्मेदारी है। आप कब तक इनको वापस कर देंगे? हम 1 महीने का समय के अंतराल में हम जमा कर देंगे एग्रीमेंट के द्वारा। ये धोखाधड़ी हुआ है? जी जी। आप मानते हैं धोखाधड़ी हुआ? जी, हम मान रहे हैं, मान रहे हैं हमसे धोखाधड़ी हुआ है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम तुलसी कुमार महतो, घर प्रसादपुर, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 2, पंचायत पोठियाराम।